हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो संडे का वीडियो है और सुबह सुबह मेरा नींद खुल गया है। बहुत ज़्यादा सुबह नहीं, 7:30-8 बज गया है उठते उठते, क्योंकि लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ और स्कूल रहने से मजबूरी रहता है। पर आज तो कोई मजबूरी नहीं है, बच्चे इधर सो रहे हैं तो मैं यहाँ भी रूम से बाहर जाऊँगी, फिर आप लोग से बाद में बात करूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, छुटकी वाले तो ज़्यादा है कि अगर थोड़ा सा भी आवाज़ करेगा तो उसका नींद खुल जाता है, तो मैं कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहती मेरे बच्चों को। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरे हाउस हेल्पर भी आ चुकी हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं अदरक वाली चाय चढ़ाई क्योंकि मेरा नींद जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा अदरक वाली चाय पियेंगे। वैसे नॉर्मली मैं चाय नहीं पीती हूँ, जब ज़्यादा मन करता है थोड़ा सा पी लेती हूँ, और उनके लिए भी बनाना था मुझे। तो अभी वो अपना बर्तन वर्तन कर रही हैं, पहले वो सब्जी वगैरह काट लेती है ना, फिर जाके बर्तन करने बोलती हूँ, क्योंकि पानी वाला काम मैं लास्ट में बोलती हूँ। ठंडा भी बहुत है, अपना जैसे तकलीफ है उनको भी तो वैसे तकलीफ होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ। आप सूखा सूखा जो काम है ना, जैसे झाड़ू हो गया, फिर सब्जी काटना हो गया, चाय पीना, नाश्ता करना, ये सबके बाद आप दूसरा काम करो। मैं बोलती हूँ आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इस रूम का थोड़ा सा साफ सफाई करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा ये भी घर पर नहीं है। और कब जब से आई हूँ ना घर से, तो तभी से मैं बोल रही थी कि साफ करूँगी, पर यह है कि मुझे साफ करने नहीं दे रहे थे। बोले तुमको ये सब अभी करना नहीं है, पहले घर पर अपने खुद का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, फिर बाद में ये सब ऐसे ही साफ सफाई होता रहेगा। पर हम लोग का ध्यान है, मतलब घर की जो लेडीज़ होती है ना, उन लोग का मन नहीं भरता है, जैसे मेरा भी नहीं भरता है। तो मैंने सोचा चलो आज मौका पे चौका मार देते हैं और साफ़ सफाई कर लेते हैं, या कि थोड़ा सा मुझे डांट लेंगे, पर हाँ साफ़ सफाई देखने से खुश भी हो जाएंगे। पर बच्चों, मतलब मैं आदिया को नेगलेक्ट नहीं करके कर रही हूँ ये सब, वरना मुझे भी तो ख़राब लगेगा। तो देखिए वो हैं तो मेरा बहुत हेल्प हो जाता है, तो मैं जो भी कर, मतलब एक तरफ मैं भी हेल्प कर देती हूँ तो साथ साथ हो जाती है मेरा साफ सफाई। अभी नीनी खुल चुका है, हम लोग धूप से एक राउंड घूम के आ चुके हैं, है ना बेटा, है ना बेटा। अभी हम लोग पापा को वीडियो कॉल करेंगे। अभी 9:30 बजा है और ये लोग 10 मिनट पहले ही दोनों उठे हैं। इसको अभी मुझे मालिश कराना है, ये सब चेंज कराना है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाना है, फिर है ना। गुड मॉर्निंग करो चबको, गुड मॉर्निंग करो चबको। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मालिश कर लेती हूँ। तो आद्या को मैं फिर से सुला के आ गई, और कल रात जो है कि वो अपने पापा के बिना सोती नहीं, रात को उसके पापा ही सुलाते हैं। पर पता नहीं भगवान जाने कि बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि पापा घर पर नहीं है। तो वो क्या की ना, जल्दी भी सो गई, कल 11:30 बजे तक वो सो भी गई, और आराम से, कोई रोना धोना कुछ नहीं। होता है कि बेटियां थोड़ा पापा के लाडली होते हैं, मुझे लगता है इसी वजह से वो अपने पापा को देखती तो मुंह पुलक पुलक ने करके होती है, पर कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फिर करते करते ही सो गई। तो मैं उसको फिर से मालिश की। अभी मैं करूँगी अपना साबू का ब्रेकफास्ट, क्योंकि और लेट करूँगी ना इनसे बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी मुझे, क्योंकि ये रहते हैं तो ड्यूटी जाने से पहले मुझे बोल जबरदस्ती करते हैं कि तुम खा लो पहले, फिर मैं जाऊँगा। और ज़्यादा लेट करूँगी तो आधे के लिए भी ख़राब है। बोलते हैं ना कि भगवान जब देते हैं चप्पल फाड़ के देते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। आज मेरा टेंशन ही टेंशन है, ज़्यादा काम भी हुआ, साथ में ये घर पर नहीं है, और आज ही सिलेंडर को ख़त्म होना था और आज हो गया, और उसका दीदू उसको संभाल रही थी। मैं संडे का फायदा उठाते हुए नहा चुकी हूँ, वो भी शैम्पू करके, और उसको सर्दी लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसको अच्छे से आज नहीं नहलाऊंगी, बस स्पॉन्ज कर दूंगी। और खाना भी बन चुका है, क्या बताऊंगी। और हाँ, तो मुझे अभी जाना है इसको लेकर थोड़ा सा धूप में, क्योंकि मेरा बाल अभी पूरी तरह से सूखे नहीं है, और ड्रायर यूज करूंगी तो बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, क्या बताऊं आप लोग को। तो गेलो मम्मा को खा के दिखाओ कैसे खाती हो। चुमो, हाँ मुझे नहीं देना है, वो तो दीदू को करना है बस। तो चलिए हम लोग धूप में चलते हैं, वरना मेरा आँख मुंह कुछ रहेगा नहीं, पूरा ऑपरेशन हो जाता है मेरा मुंह का। देखिए देखिए मेरा मुंह को क्या कर रही है, आउच आउच। चलिए फिर आके हम लोग साफ 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 होंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, है ना, है ना। चलो 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 गुडू, वो तो हम लोग धूप में घूम रहे हैं और मामा का बाल खींच रहे हैं।
क्योंकि मामा बाल खुला करके घूम रही है। सेकंड टाइम का मालिश हो गया और तुरंत ही वो सो गई, जैसे स्पॉन्ज करके बड़ी आराम हो जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ अपना लंच करने के लिए। आलू पोस्तो बनाई हूँ और चावल, और कुछ नहीं बना पाई हूँ। जैसे उसको मुझे संभालना रहता है, और इनका हमेशा कहना है कि पहले बच्चा फिर बाकी दूसरा काम, तो मैं वही काम करती हूँ। सुबह सुबह जब भी अपना साफ सफाई हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा सा लंच कर लेती हूँ जल्दी। और आराध्या भी खा चुकी है, वो बोली मामा और आप कुछ मत करो, वो क्या कहते हैं नींबू घी ये सब ली और साथ में आलू पोस्तो भात ऐसे खा ली बोलती है। ऐसे वो कभी नहीं खाती, पर आध्या के लिए वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो मैं भी खा लेती हूँ झटपट से। और यहाँ पर देखिए सब्जी भी कटवा कर रखी थी बहुत सारा, मतलब जैसे हो गया कैप्सिकम गाजर ये सबको कटवा कर रखी थी। सोचे उसके लिए शाम को कुछ स्पेशल बना दूंगी जैसे वो खुश हो जाए, क्योंकि वो एक बार कॉम्प्रोमाइज करके मुझे भी उसका ध्यान रखना है। अभी उसका नींद टूट चुका है और मामा के साथ छत पर जाएगी। कितना कपड़ा सूखा है देखने, आधा से ज्यादा मामा ले आई थी पहले, है ना, और थोड़ा थोड़ा बच्चा है। हम लोग देखने जाएंगे, फिर थोड़ा धूप में खड़े होंगे, फिर आएंगे ना बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ 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 आओ, चलो 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 चलो। आध्या भी सोई हुई है, रूम भी सेट हो गया, तो मैं चलती हूँ। थोड़ा सा इसके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी जैसे बोली थी, तो इसके लिए मुझे आज पास्ता बनाना है। तो बोले मैं खुद बनाऊंगी, तो मैं बोली मेरे प्रेजेंस में ही बनाना जो कुछ भी करना है तुमको गैस के पास। तो मैं थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा के आऊंगी क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, तो उसके बाद वो बनाएगी। पर मैं पास्ता को बॉइल करके रख चुकी हूँ, सब्जी भी तैयार है, बस उसको तैयार बनाना है। इसको चीज मेयोनीज सब लेके आ गई है, बनाएगी अभी पास्ता, वो शुरू कर चुकी है बनाएगी, मतलब शुरू कर चुकी है। मैं बस उसको थोड़ा सा हेल्प करूंगी और मुझे आद्या को भी ध्यान देना है। उठी गलू, चल 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 चल, आए जी भाई, दीदू बापू जी भाई, हूँ चल। अभी भी बनाना जारी है, और क्या किए देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया बोलकर निकाल दी है कैबेज को, कैप्सिकम थोड़ा सा, गाजर ये सबको निकाल दी है। गाजर ये यहाँ रखी थी, गिर गया। हाँ कितना गिरा रही है, पूरा भर दी। चलती हूँ, उसको स्वेटर वेटर उठाना है, फिर फिट कराना है, फिर आऊंगी। आ ये देखिए पहुँच गई आद्या का, आज ही आज पहुँचा है ये कैप। और पहना दीजिए से ना, पूरा चिढ़ रही है, उसका पसंद बिल्कुल नहीं है कि कैप पहनने रहे। और वो दूसरा वाला है ना, उसमें नीचे नहीं है, तो वो तुरंत ही खींच के गिरा देती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे कुछ मंकी कैप टाइप का गर्ल्स के लिए आता है जो, वो मंगा लेते हैं। तो ये वाला अच्छा है, रात को भी इसको पहना के सुला सकते हैं इसको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा गिर रही है। हाँ, और ये देखिए बना कर ले आई है, टेस्टी टेस्टी पास्ता, एक बार ट्राई करते हैं। गर्म है बेटा, सब तो गिरा दिए और ये चीज़ सब। मास्टर बहुत ही यम्मी बना है, बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, वो तो मेरे से भी आगे बढ़ गई, मतलब मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बनाने लगी है। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी, सच में बहुत यम्मी बनाई है। और आद्या को लेकर ना दिन भर जैसे तैसे पार हो गया, इधर उधर घूमते टहलते पार हो गया। फिर वो शाम को अपने पापा को ढूंढती है, नहीं 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 करती है। देखते हैं आज रात हम लोग का कैसे बीतता है, क्योंकि आज रात भी वो नहीं आ पाएंगे। कितना ज़्यादा टेस्टी है, विदाउट सॉस, सिर्फ मेयोनीज और सोया सॉस दिया हुआ है। ऊपर में चीज भी ग्रेट की थी, मेल्ट हुआ, जो कि मेल्ट हो चुका है। और वो बोली मामा और रखी हूँ, आप इसको खा लो, पर मैं इतना ज्यादा नहीं, 2-4 चम्मच खाऊंगी फिर उसको दे दूंगी। मनो खुशी है वो, उसको कुकिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी है, बाद में क्या जरूर पता नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से बना भी लेती है और एक्सपेरिमेंट करती है। सो गई फिर से, अभी रात का 8 बजने जा रहा है, तो ये टाइम होता है उसके पापा का, वही रहते हैं तो वो सुलाते हैं। पर जैसे तैसे करके मुझे सुलाना पड़ा, और बीच में ना उल्टी हो गया, जो कुछ हुआ तो चेंज भी करना पड़ा उसका। और बच्चे ऐसे ही करेंगे, उनका कपड़ा जो है दिन में कितना बार चेंज होगा कोई ठिकान नहीं उसका। और मैं सोच रही हूँ जब ये सोई है तो उसकी दीदी थोड़ा सा यहाँ पर रहेगी, और मैं जाऊँगी डिनर बना कर आऊँगी, उसको बेड पर सुला देते हैं।
बजने जा रहा है, तो वो उठ गई है आधा घंटा पहले और उसके साथ में खेल रही थी। तो मैं अभी बोली रात होने जा रहा है, तुम थोड़ा संभालो, मतलब उसकी दीदी को, वो संभाल रही है अभी। और उसका पापा इस टाइम रहते हैं ना, तो वो संभाल लेते हैं और उनको ही खोजती है वो। मतलब उठ गई और पूरा मतलब मुंडो सुखाई हुई थी। मैं बात की, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, पर हमको लगता है कि मतलब मेरा अपना ख्याल है कि वो लोग समझते हैं बहुत ज्यादा है, और फीलिंग्स अटैचमेंट वो सब उन लोग का होता है। तो अभी जो है कि वो उसका दीदी के पास है और मैं आ गई डिनर करके, मैं फटाक से जाऊंगी। तो वो थोड़ा हॉर्लिक्स पिएगी, बोले मामा मुझे कुछ नहीं खाना है। तो मैं बोली चलो कुछ ना सही, तुम थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी के होने से सो जाना। अभी तो मेरा जस्ट शुरू ही हुआ है, अभी वो जगेगी कितना रात तक मुझे देखना है और उसको संभालना है, और साथ साथ यही है। पर हाँ, दिन भर बहुत अच्छे से गया है मेरा, भगवान का यही कि दो दिन, मतलब कल दिन भर मान लीजिए और आज दिन, दो दिन हो गया, दो दिन जैसे तैसे पार हो गया है। कल सुबह भर का बारी है और मतलब बात है और वो आ जाएंगे तो रिलैक्स होंगी। अकेले दो बच्चों को संभालना ना मुश्किल हो जाता है, पर हाँ मेरी बड़ी बेटी इतना ज्यादा जिद नहीं करती है, वो भी अपने आप को मैनेज कर लेती है, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होता है। छी, हम लोग का बेड का हालत बोलो कैसा है, बोलो हम लोग का बेड का हालत कैसा है। दो दो कंबल गिरा हुआ है, कितना गंदा है बेड का हालत। हाँ, हम लोग पूरा बेड के ऊपर गंदा किए हैं। कैसे? नहीं, गंदा नहीं है हम लोग का बेड, साफ सुथरा है। बोलो साफ सुथरा है। हाँ, साफ सुथरा। अभी हम लोग ना पूरा दिन भर का लास्ट मालिश होएंगे ना। हाँ, आय 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 टी दे टी दे आय आय गुड 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 टी दे डंड आय 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 टी दे आय 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 टी दे इटा 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 हो गो आय 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 गुड 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 टी दे आय आय अरे अरे गुडु आय 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 अभी बोल दो सबको, मालिश हो गया है, पापा को ढूंढ रहे हम, रहना नहीं चाह रहे, खाली गुस्सा हो रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, देखिए पूरा परेशान हो रही है। अभी रहना नहीं है मेरे गोदी में उसको, कोशिश करती हूँ उसको सुलाने का, क्योंकि वो इस टाइम जो है अपने पापा के गोदी में सोती है, तो इसी टाइम वो ज्यादा ढूंढती है पापा को। दिन भर तो हम लोग हंसी खुशी पार कर दिए। आप लोग को गुड नाइट, सुबह मिलेंगे पापा आने के बाद, है ना। परेशान हो रही है पूरा, एकदम से परेशान हो जा रही है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।